नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर, बचे विषयों की परीक्षा कब होगी, एक नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, सभी को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपके मन में जो आशंकाएं चल रही हैं पूरी तरह से हावी हो जाएंगी और आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, न्यूज में जानकारी पब्लिश की गई है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड अब सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के सिर्फ कुछ विषयों के लिए पेपर लेगा, जिसकी डेट शीट भी वह जल्दी जारी करेगा। अब लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में बोर्ड नई तारीखों पर विचार कर रहा है और इसकी घोषणा करेगा। इसके पहले एमपी बोर्ड ने कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के सिर्फ उन विषयों की परीक्षा लेगा जो मुख्य हैं और जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए बेहद जरूरी हैं। जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं होंगी उनके मार्क्स अलग योजना से तय किए जाएंगे। कब होगी शेष बची परीक्षाएं? एमपी बोर्ड ने इस बीमारी व लॉकडाउन के चलते 19 मार्च के बाद से लेकर 11 अप्रैल तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। एमपी बोर्ड ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10वीं और 12वीं के शेष बची सभी परीक्षाओं को करवाया जाना संभव नहीं है, ऐसे में सिर्फ मेन विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी। एमपी बोर्ड ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन बाद शेष बचे पेपरों की तिथि तय कर दी जाएगी। जिन विषयों के पेपर हो चुके हैं उनकी परीक्षा नहीं होगी। जी हां, आईटी, सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन आदि के पेपर भी अब नहीं होंगे। तो दोस्तों ये खबर सामने निकल कर आ रही है, आपकी परीक्षा के लिए जो जानकारी है वो लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन पहले आ जाएगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों कुछ मेन सब्जेक्ट का ही पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। और दोस्तों जिन विषयों की परीक्षा नहीं होगी उसमें अलग योजना के माध्यम से आपको नंबर दे दिया जाएगा, ये खबर सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको सारी जानकारी पल पल के देते रहेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप सबका पेपर भी अच्छे से होगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।